2017 में बिहार से खबर आई थी जिसमें चूहे शराब पी गए। ऐसे ही कुछ एक खबर इस बार नोएडा से। नोएडा से 110 बकरी अचानक गायब हो गई। दरअसल कहानी 2020 की है, माफ कीजिएगा 2021 की है। 2021 में पुलिस ने नाकाबंदी में कुछ जानवरों को पकड़ा। एक शख्स बकरियों को लेकर जा रहा था, 110 बकरे और बकरियों को लेकर जा रहा था। पुलिस ने पकड़ा, संदिग्ध होने पे उसे नोएडा एनिमल स्लेटर हाउस में रखा गया। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में सुनवाई चली। उसके बाद व्यक्ति जो औरैया का रहने वाला था उसे ये आदेश दिया गया, सरकार को ये आदेश दिया गया, प्रशासन को ये कहा गया कि उसके 110 जो बकरियां और बकरे हैं उसे वापस कर दिए जाए। जब वो व्यक्ति अपने यहाँ पे आया और कहा कि 110 बकरियां मुझे दे दी जाएं, तो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने कहा, भाई 110 बकरियां तो मर गई। शख्स का कहना है कि मैंने बकरियों के रख रखाव के लिए पैसे भी दिए थे, मुझसे बकायदे लाख रुपए लिए गए और मेरे जानवर के देखभाल का वादा किया गया। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दिया उसे कि अब आपका आपके जीत गए, आप गलत तरीके से बकरियों को जानवरों को नहीं लेके जा रहे थे, अब आपको आपकी बकरियां मिल जाएंगी। लेकिन क्या जिन अधिकारियों पे ये जिम्मेदारी थी कि उनकी बकरियों को उनके जानवरों को सुव्यवस्थित तरीके से रखने की, सुव्यवस्थित ढंग से उनका सुचारू रूप से सेवा करने की, उन्हीं अधिकारियों ने उनके साथ खेला कर दिया। मामला कोतवाली तक पहुँचा। आपको पता किया यहाँ पे एक खबर है कि 110 बकरियों को यहाँ पे रखा गया था जिसके बाद वो गायब हैं और ये कह रहे हैं कि बकरियाँ मर गई। बकरियाँ तो हैं यहाँ पे। अच्छा, अचानक अभी एक दो महीने में 110 बकरियाँ मरने की सूचना है क्या? एम्बुलेंस में लेके गए आए? नहीं, मैं नहीं लेके गया। हाँ, मैं नहीं लेके गया। मतलब 110 बकरियाँ अभी एम्बुलेंस से कहीं आई गई नहीं ना? अभी तो कुछ नहीं आई है एम्बुलेंस से। पिछले 5-6 महीने में बड़ी तादाद में कोई बकरियाँ मरी हैं क्या? बड़ी तादाद में तो बीमार तो बहुत सारी थी यहाँ पे। नहीं, मरने की संख्या पूछ रहा हूँ। तो हॉस्पिटल वालों को पता होगा ज्यादा। नहीं, आप एम्बुलेंस चालक हैं, आपको तो पता होगा ना कि मतलब यहाँ पे काम करते तो कुछ तो पता होगा कि कुछ बकरियाँ मरी हैं या नहीं मरी हैं। हम बीमार तो बहुत सारी थी यहाँ पे, जैसे कि 100-150 जो भी थी यहाँ पे बीमार बहुत सारी होंगी यहाँ पे। ठीक है, ये एम्बुलेंस चालक थे, इनको अभी ये संख्या नहीं पता है कि कोई बकरियाँ मरी हैं नहीं। और जब हम जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे बात करें, तो बात करने से बच रहे हैं। इनको जब्त करके एक एनिमल शेल्टर होम में रखा गया था। जो इन बकरियों का स्वामी था उसके द्वारा न्यायालय से उनको रिलीज कराने का आर्डर पास कराया गया। और रिलीज आर्डर के पश्चात जब वो शेल्टर होम गया तो शेल्टर होम के संचालक द्वारा ये बताया गया कि लगभग 1,00,000 रुपए इनको चारा खिलाने में खर्च हुए हैं, वो पैसा दिया जाए। उस व्यक्ति द्वारा वो 1,00,000 रुपए भी जमा करा दिए गए। उसके पश्चात भी इनके द्वारा उसके बकरी और बकरा वापस नहीं किए गए, बताया गया कि ये समझ गए हैं। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा तत्कुल मंतव्य अपनाया गया और थाना 20 को इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। थाने द्वारा भी संचालक से वार्ता की गई, परंतु उसके द्वारा ये जो पशु थे वापस नहीं किए गए और ये बताया गया कि ये मर गए हैं। इस पर थाना प्रभारी 20 द्वारा वादी बनते हुए संचालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है, धारा 406 का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अभियोग पंजीकरण के पश्चात विशेषात्मक कार्यवाही प्रचलित है और जो भी साक्ष्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। थाने कोतवाली पहुंचा, FIR कराया। मामला अब सेक्टर 20 थाने में FIR हो चुका है। अब पुलिस उसकी जांच कर रही है कि आखिर सच में जो बकरियां थी, जो जानवर थे, वो मर गए या यहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उसे बेच खाए। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए ब्रजेश तिवारी, नोएडा।